आप देख रहे हैं पीटर न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक बनकर विक्रांत ने किया देश का नाम रोशन। अब खबर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक बनकर विक्रांत कुमार ने सहारनपुर समेत अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक बनने पर विक्रांत कुमार का खेल प्रेमियों समेत गणमान्य लोगों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजन वर्गेश ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन के द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ कोच, सर्वश्रेष्ठ निर्णायक की घोषणा की, जिसमें 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन के द्वारा सहारनपुर के होनहार व प्रतिभा के धनी विक्रांत कुमार को सर्वश्रेष्ठ निर्णायक के रूप में सम्मानित किया गया, जो सहारनपुर समेत पूरे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। विक्रांत कुमार ने कहा कि कुराश खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय खेल बन चुका है और भारत देश में भी यह खेल विभिन्न राज्यों में कुराश खेल की एसोसिएशन के तत्वाधान में खेला जा रहा है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक बनने पर विक्रांत कुमार की इस उपलब्धि पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना, प्रवीण चौधरी, संजीव कुमार, मोहित शर्मा, मंजू नयार, अरुण कुमार, कृष्णकांत, अंशुल, अजीत, शीतला, दिव्यांश कश्यप, अक्षित पर्व, यथार्थ, निकिता, खुशबू, शगुन, दीपक, ध्रुवेश, विनय, आकाश, विधि, विनीता, दीक्षा, अनिष्का आदि ने बधाई दी। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं विक्रांत कुमार, सचिव कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ कोच की घोषणा की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर मुझे सर्वश्रेष्ठ निर्णायक के रूप में सम्मानित किया गया है। मैं अपनी इस उपलब्धि का पूर्ण श्रेय अंतर्राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन के तकनीकी निदेशक आदरणीय श्री रवि कपूर सर को देना चाहूँगा। कुराश के अंदर आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है और आज इस उपलब्धि में मुख्य भूमिका उनके मार्गदर्शन की है। उनके मार्गदर्शन के कारण ही मैंने ये उपलब्धि हासिल की।